स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं अब तक की बड़ी खबरें। अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कश्मीर भारत का मुकुट मणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भाजपा सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब देश में दो विधान दो निशान नहीं है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित रूप से उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा। गोविंद सिंह ने कहा कि इसका मुझे बड़ा दुख है, कम से कम उन्हें इस तरह दर दर नहीं भटकना चाहिए। सिंधिया के खिलाफ पवैया हमेशा मुखर रहे हैं, उनके विरोध में रहे हैं। पवैया के साथ साथ प्रभात झा भी सिंधिया के विरोधी रहे, लेकिन सिंधिया अब बिना बुलाए उनके घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ तो होगा ही। मध्य प्रदेश में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इनका मकसद छात्रों को सरकारी स्तर के स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना है। इन स्कूलों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने के मकसद से 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान कौशल तथा नागरिकता के संस्कार देना है, साथ ही भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों की शिक्षा देना भी है। बैठक में सीएम राइज स्कूल की डिटेल रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब उनके घर में ही विरोध झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता जुबानी हमले के साथ साथ कभी महल गेट के आसपास पोस्टर लगाते हैं तो कभी नारेबाजी करते हैं। अब कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI भी विरोध में उतर आया है। NSUI ने सिंधिया को बेशर्म के फूल, बेशर्म की माला भेंट की और बेशर्मी लिखा एक पत्र भी सौंपा। NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म की माला दी एवं बेशर्मी का ज्ञापन दिया। NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब जनता कोरोना महामारी से मर रही थी, जब लॉकडाउन लगा था, तब सिंधिया जी कहाँ थे। अब लॉकडाउन के बाद फिर से राजनीति शुरू कर दी, ये सिंधिया जी को बेशर्मी नहीं लगती। जब NSUI और कांग्रेस के नेता कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे थे, तब NSUI के छात्र नेताओं को आपके आदेश पर जेल में बिठाए रखा जाता है, क्या ये आपको बेशर्मी नहीं लगती। NSUI ने कहा कि आज सिंधिया जी लोगों के घरों पर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, ये दरअसल शोक जताने नहीं उनके जख्मों को कुरेदने जा रहे हैं, क्या ये बेशर्मी नहीं है। इसलिए हमने उन्हें बेशर्म के फूलों की माला और बेशर्म के फूल दिए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा जिले बारिश से तरबतर हो चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं और बिजली की गरज चमक के साथ मानसूनी बारिश हुई और अब तेजी से मानसून आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज शनिवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 11 जिलों में ऑरेंज और 23 जिलों में येलो अलर्ट है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, देवास में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं इंदौर, ग्वालियर, रीवा, चंबल संभागों के जिले शहडोल, उमरिया, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, भोपाल, राजगढ़, हरदा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस को अलविदा कर बीजेपी से राज्यसभा सांसद बने ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रशासन के लिए श्रीमंत है। ये हम नहीं बल्कि खुद ग्वालियर के जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति बता रही है, जी हां, जिसमें सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत लिखा है। कभी जिन ज्योतिरादित्य का महाराज और श्रीमंत नाम से पुकारा जाना बीजेपी को नागवार गुजरता था, अब उसी के नुमाइंदे सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत लगा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिला कलेक्टर के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की, जिसमें सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत लिखा है। अब जरा 6 साल पहले की एक घटना को याद कर लेते हैं। अशोकनगर जिले के प्रभारी बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया थे और सिंधिया तब लोकसभा से उस क्षेत्र के सांसद। अशोकनगर जिले में एक शिलान्यास समारोह में अधिकारियों ने सिंधिया के नाम के आगे श्रीमंत क्या लिख दिया, पवैया आग बबूला हो गए।
उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल शिलान्यास स्थल से श्रीमंत लिखे हुए सिंधिया के नाम को केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया कराया। पवैया का तो सिंधिया परिवार से विरोध ही इस बात पर था कि सिंधिया अपने नाम के आगे महाराज श्रीमंत जैसे शब्द क्यों लगाते हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें जो आपने जानी। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।